हाय गाइस, वेलकम टू गेपी क्लासेस। अगर आप टॉप सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटीज से अपने 5 ईयर्स एलएलबी को परस्यू करना चाहते हैं, यू मस्ट बी नोइंग कि आपके एग्जामिनेशन में आपको जो डोमेन सब्जेक्ट तैयार करना है, दैट इज़ ऑफ लीगल स्टडीज़। अब अभी हमने एक मैराथन सेशन किया था जिसमें हमने आपका पूरा का पूरा लीगल स्टडीज़ का सिलेबस एक शॉर्टकट मैनर में पढ़ा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, सो दैट आप बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हो लीगल स्टडीज़ की, सो दैट वीडियो इज़ एनफ बट नॉट सफिशियंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर सीटी एग्जामिनेशन। तो अब आपकी तैयारी को और एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए, आपकी जो तैयारी है एग्जाम की उसमें और इफिशियंसी लाने के लिए, वी आर कमिंग अप विद दिस वीडियो सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट वन ऑफ दैट सीरीज, जिसमें हम आपके 2023 में आए हुए लीगल स्टडीज के 10 क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से, दिस इज नॉट ओनली PYQ डिस्कशन, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको किस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो उसी चीज़ को हम आज करने वाले हैं, उसी चीज़ को हम आज समझने वाले हैं आज की इस क्लास में। लेकिन उससे पहले, अगर आप CUET UG 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता होगा आपका जो एग्जामिनेशन है दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स एंड वी आर ओनली हैविंग 3 months ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। KP क्लासेस इज ब्रिंगिंग न्यू बैच, दैट इज CUET सारथी बैच, जो आपके जो एग्जाम है उसका जो पार्ट वन है और पार्ट थ्री है उसको कवर करता है। दिस कोर्स इज अवेलेबल ओनली एट 1499 rupees। अब ये जो कॉस्ट है ये आपकी फॉर्म फीस के आसपास की कॉस्ट है। आपका जो फॉर्म है उसकी जो फीस है 1000 है, और जो आपको सारथी बैच है जिसमें आपको पार्ट थ्री और पार्ट वन की तैयारी कराई जाती है, दैट इज अवेलेबल ओनली एट 1499 rupees। एंड वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, अगर आप किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, यू हैव टू पे ओनली 3 to 4000 ऑफ फीस पर एनम। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, यू हैव टू पे 1 lakh और 2 lakhs और 3 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज। सो दीज आर द काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू विल बी गेटिंग इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद दीज आर द डोमेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें आपका साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के डोमेन को हम डिटेल्ड मैनर में कवर करते हैं। अगर हम साइंस बैच की बात करते हैं, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं। दिस कोर्स इज अवेलेबल एट 1999 rupees। और इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, दिस इज नॉट ओनली, इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू कवर योर डोमेन सब्जेक्ट, अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग क्लासेस फॉर जनरल टेस्ट एंड योर लैंग्वेज वाला पार्ट। देन आफ्टर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट CUET UG 2024 कॉमर्स उड़ान बैच, इसमें क्या है, ये इसमें आपके जितने भी कॉमर्स के डोमेन हैं, टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी, टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टडीज, उसके बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट आपका कॉमर्स बैच में कवर किए जाते हैं। एंड दिस कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल एट 1999 rupees। एंड दिस इज नॉट पर्टिकुलरली अबाउट द ओनली डोमेन सब्जेक्ट, उसके साथ साथ आपको जनरल टेस्ट की भी क्लासेस मिलती हैं, उसके साथ साथ आपको जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है उसकी क्लासेस भी मिलती है। सेम गोज विद दिस ह्यूमैनिटीज बैच, इसमें क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, अगर आप कोई भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ईच एंड एवरी डोमेन सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस डोमेन पर्टिकुलर पार्ट। एंड दिस कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल एट 1999 rupees। एंड दीज आर द लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर्स। सो इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो, यू कैन इनरोल नाउ। लिंक फॉर द सेम इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर हो सकता है, अगर आप बाद में भी वीडियो देखें तो ये ऑफर वैलिड ना हो। तो दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। तो अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, वी आर ओनली हैविंग लेस देन 3 months ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर तैयारी आपको 2000 rupees में मिल जाती है। सो यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। अब बात करते हैं आपके PYQs की, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो किस तरीके का क्वेश्चन पेपर है। अगर वो आप समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक है जो आपको करके जाना है, व्हाट आर द टॉपिक्स यू कैन स्किप। अब देखो, अगर हम पहले उसकी बात करते हैं ना, इट सेज Who among the following are allowed to practice in India after the Advocate Act 1961? अब अगर आपने CUET का सिलेबस देखा होगा, you must be knowing कि आपका जो यूनिट है उस समय आपको ये एडवोकेट एक्ट 1961 भी पढ़ना है। जो CBSE की बुक है उसमें भी इस एडवोकेट एक्ट के बारे में लिखा गया है।
और जो हमने अपनी मैराथन क्लास की थी उसमें भी हमने एडवोकेट एक्ट के लिए उसके इम्पोर्टेंस ही को समझा था कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग और अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया आफ्टर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। अब उससे पहले क्वेश्चन में जाने से पहले आई विल बी टेलिंग यू कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। सम टाइम्स मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, आइदर ए बी सी विल बी करेक्ट और बी सी डी विल बी करेक्ट। इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, क्वेश्चन आपको लग सकता है टफ है लेकिन अगर आपको एक आंसर आता है यू विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो यू कैन फॉलो दिस सीरीज। अब देखो इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इट सेज हु अमंग द फॉलोइंग आर अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया आफ्टर द एडवोकेट एक्ट 1961। सो यू मस्ट बी नोइंग कि जो एडवोकेट एक्ट है वो इंडिया में जो जितने भी एडवोकेट हैं उनको गवर्न करने के लिए बनाया गया है। तो एडवोकेट एक्ट किसको रिकॉग्नाइज करता है वो हमें देखना है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन क्या था, बैरिस्टर। अब देखो अगर आप बैरिस्टर वर्ड अगर आप बात करोगे इंडिया में कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि दैट आई एम अ बैरिस्टर, ये क्या होता है एक फॉरेन वर्ड हमें लगता है। तो यूके में जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बैरिस्टर बोलते हैं। अगर आप अपनी जो लॉ है अगर आप यूके से करोगे तो आप क्या बनोगे, आपके पास जो डिग्री होगी आप बैरिस्टर होगे। जैसे आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी, ही इज़ अ पॉलिटिशियन एंड ही इज कॉल्ड एज बैरिस्टर। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी जो लॉ को परस्यू किया है वो उन्होंने यूके से किया है। तो दिस इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज नॉट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961, ये आपका इंडियन लॉ में नहीं आता। सो दिस ऑप्शन इज इलिमिनेटेड। अब अगर ए इलिमिनेट हो गया मतलब ए बी वाला ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, देन आफ्टर दैट एडवोकेट्स इंडिया में जो लॉयर प्रैक्टिस करते हैं उनको हम एडवोकेट बोलते हैं, दैट इज राइट। तो क्या हमें बताना है कौन कौन अलाउड होता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लॉ, तो एडवोकेट तो अलाउड होता है मतलब बी ऑप्शन तो होना ही चाहिए। बी इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा। अब सोचो आपको नहीं पता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, आपको नहीं पता प्लीडर्स के बारे में, आपको बस इतना पता है भाई एडवोकेट तो प्रैक्टिस करता है और बी ऑप्शन कहाँ दे रखा है, केवल एक उसमें बी ऑप्शन दे रखा है। ए भी उस अकॉर्डिंग करेक्ट हो सकता था लेकिन बैरिस्टर हमने पहले ही रिमूव कर दिया, तो आइदर ए और बी विल बी करेक्ट। अब बैरिस्टर तो हमें पता है भाई इंडियन नहीं होता, अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रही क्वेश्चन में। तो वही है, अगर आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को करते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है, ये कुछ एडवोकेट होते हैं जिनको ये प्रिविलेज होती है, एक एग्जाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए, जब आप वो एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको ये प्रिविलेज मिलती है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी केसेस फाइल होते हैं थ्रू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू होता है। तो अब ये क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ नेम अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 विच इज गिवन टू द एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये हो गया जिसमें आपको एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बी एंड सी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसके बाद जितने भी टर्म्स आपको दे रखे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, इट सेज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर के भी डिस्कशन हमने मैराथन क्लास में किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है जो गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट करता है। अब यू कैन टेल मी हु इज द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ जीके, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ करेंट अफेयर्स। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद आपका प्लीडर्स आता है, प्लीडर्स क्या है, जो आपका एडवोकेट एक्ट 1961 है उसके आने से पहले प्लीडर्स का टर्म यूज किया जाता था। जो अब देखो अगर आपको ये आता है आंसर तो भी आप कर सकते हो, नहीं आता तब भी आप कर सकते हो इफ़ यू आर श्योर अबाउट दिस कि एडवोकेट तो भाई हम बोलते ही हैं और एडवोकेट साहब ऐसे करके हम प्रोनाउंस करते हैं, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन यू विल बी एबल टू इजिली मार्क द आंसर। तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट आंसर यू कैन अटेम्प्ट द राइट आंसर, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस सीरीज में। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये भी हमने अपने उसमें डिस्कस किया था कि जो हम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक आपका क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, अब उसमें भी प्रॉपर्टी किस तरह की होती है, एक मूवेबल होती है एक इमूवेबल होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, इमूवेबल के लिए क्या आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है। तो अब उन चीज़ों को सीखने समझने के लिए क्या है, हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज द यूनिट टू ऑफ योर लीगल स्टडीज सिलेबस जो हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है, इफ द इंटेंशन इज टू रीप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज द ट्री वुड बी कंसिडर्ड। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होगी, लोगों को ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद कि भाई हम तो जो रीप्ड फ्रूट है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको यहीं पर डिलीजेंट होना है कि जब जो ट्री है ना ट्री की जितनी भी रूट्स होती हैं वो डीपली रूटेड इन द अर्थ होती हैं।
तो जब कोई कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो एक घर है, घर की जो नींव है ना, वो क्या होती है, बहुत डीपली रूटेड इन द अर्थ होती है, तो वो एग्जाम्पल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर आप किसी एक वेल, कुआं की बात करते हैं, वो क्या होता है, वो डीपली अर्थ में, उसको कोई उठा के नहीं ले जा सकता। आपका घर चोरी नहीं हो सकता, आपके घर में चोरी हो सकती है। तो घर में जो चोरी हो सकती है वो क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। कि कोई आपके घर पे आता है, आपका फोन चुरा के ले जाता है, वो क्या है, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई आपका घर चुरा के ले जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया, कि अगर देखो क्या है, ट्री, अगर इंटेंशन है आपके रीप करने की फ्रूट्स को, कि आप चाहते हो फ्रूट्स को तोड़ करके पेड़ से ले जाओ, तो यहाँ पे जो पेड़ है वो क्या है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जब कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लो कोई पेड़ है, वो डीपली रूटेड इन द अर्थ है, मतलब वो एग्जाम्पल किसका है, वो एग्जाम्पल है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर आपका घर है, घर का जो नींव होता है वो बहुत जमीन के अंदर होता है, तो वो क्या है, वो भी डीपली रूटेड इन द अर्थ है। अब जैसे मान लो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अगर हम पेड़ को कुल्हाड़ी से काट लें, तो जैसे ही आपने उसको पेड़ को काट दिया, तो वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी ना, अब वो मूवेबल बन जाएगी। लेकिन अगर वो पेड़ डीपली रूटेड इन द अर्थ है, तब तक वो क्या है, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही रहेगा। उसके बाद ये जनरल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, ये सारा डिस्कशन अगर आप समझना चाहते हो, यू कैन वॉच दैट मैराथन सेशन। उसमें हमने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है। अब दिस इज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन फ्रॉम द यूनिट 2। दैट इज वाई आई से दिस यूनिट 2 इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन। आफ्टर द एग्जामिनेशन, वंस विल बी परस्यूइंग योर 5 ईयर्स LLB, वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। अब देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ये क्वेश्चन है कि नोवेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, वेवर क्या होता है, अल्टरेशन क्या होता है। अब ये सारे टर्म्स क्या है, ये आपके लीगल स्टडीज में हमने पहले ही समझ रखे हैं, सीख रखे हैं, कर रखे हैं। नोवेशन मतलब क्या होता है, जब हमने मैराथन सेशन किया था, कि आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ही इंट्रोड्यूस कर दिया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है उनको हटा कर। अब देखो क्या है, टर्म्स को क्या है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग मॉडिफाइड। किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई करना मतलब क्या हुआ, कि उसको आपने अल्टर कर दिया। मतलब डी का तो भाई फर्स्ट होना चाहिए, हमने पहली वो पढ़ी, कि उससे हमें क्या पता लगा, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब हम नया कॉन्ट्रैक्ट ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किसकी जगह, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह, मतलब ये क्या हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम बोलते हैं नोवेशन। कि आपने नया कॉन्ट्रैक्ट ही इंट्रोड्यूस कर दिया, नोवेशन नया कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन नया कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन नया कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। अब देखो क्या हो गया, वेवर क्या होता है, वेवर होता है, उससे पहले रिसेशन देखते हैं। रिसेशन क्या है, सर्टेन और ऑल टर्म्स ऑफ और द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कैंसल्ड। जब क्या होता है, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के सभी या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, कैंसल हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसेशन। गिव मी अ सेकेंड। अब देखो उस पर हम बाद में आएंगे, अब पहले देखो इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता लगा, नोवेशन मतलब क्या होगा, नोवेशन मतलब न्यू। ए का मतलब आंसर कौन होगा, ए पे सेकेंड आना चाहिए, ए सेकेंड, बी एंड ए, आइदर ए विल बी करेक्ट और बी विल बी करेक्ट। अब देखो बी पे जब हम आते हैं, रिसेशन क्या होता है, रिसेशन होता है कि सर्टेन और ऑल द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर बीइंग कैंसल्ड, तो बी का कौन सा होगा, बी का थर्ड होगा ना, बी शुड बी थर्ड, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ध्यान से देखो, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया ना आपका, बेस्ड ऑन ओनली टू इन्फॉर्मेशन, क्या हुआ, ए का सेकेंड हो गया, मतलब नोवेशन क्या हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर बी का थर्ड है। वट डज दैट मीन, दैट मीन रिसेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या सभी के सभी टर्म्स एंड कंडीशन को कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद आपका क्या है, वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है, कि कुछ जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है ना, उन्होंने अपने राइट्स अबैंडन कर दिए, कि भाई ये था, हम अपने अपने राइट छोड़ देते हैं, हमने आपको वेवर दे दिया, हमने आपको वेव ऑफ दे दिया। वैसे ही फिर आपका अल्टरेशन है, जो हमने पहले ही कर लिया था। अल्टरेशन क्या होता है, जब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया जाता है। नोवेशन मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। रिसेशन मतलब आपने क्या किया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को कैंसिल कर दिया, पूरा कैंसिल कर दिया। वेवर क्या हो गया, कि जब पार्टीज ने क्या किया, अपने म्यूचुअल राइट्स को अबेंडन कर दिया। फिर उसके बाद ऑप्शन डी, अल्टरेशन मतलब क्या हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरेशन। अब ये क्या है, ये आपका यूनिट 2 का लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वाले पार्ट में आता है, जिसको आपको सीखना है, समझना है फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्या है, ये आपकी यूनिट 8 में है, जिसमें हम लीगल मैक्सिम्स वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी लीगल मैक्सिम्स आती हैं, जिसमें आप पढ़ते हो ऑडी ऑल्टरम पार्टम।
इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, हाँ एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। तो ये सारी जो लीगल मैक्सिम्स हैं इनका क्या मतलब है वो आप कैसे सीखोगे? वंस यू आर रीडिंग द लॉ थॉरली। अब देखो जैसे यहाँ पे ये मैक्सिम है, इसका मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई। अब देखो जब आप कोर्ट में जाते हो ना, कोर्ट में आप जैसे मान लो जो विटनेस बॉक्स में लोग आते हैं उनका नाम पहले ही कोर्ट को दिया जाता है कि हाँ ये लोग होंगे, इनका कोर्ट से क्या मतलब केस से क्या रिलीवेंस है और ये किस कैपेसिटी में वहाँ पे विटनेस बॉक्स में खड़े हुए हैं। अगर कोई भी विटनेस बॉक्स में जाता है, हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है तो वो उस कैपेसिटी में विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ है। कोर्ट के सामने आपको अपीयर होने के लिए आपको बताना पड़ता है व्हाट इज़ योर लोकस स्टैंडाई, आप क्यों खड़े हो कोर्ट के आगे। तो आपको जो राइट है ना कोर्ट के सामने अपीयर होने का, ऐसा नहीं पीछे बैठने के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में अपीयर होते हो, आपका नाम जाता है जजमेंट पे या डिसीजन पे, तो उस केस में क्या होता है ये दे विल चेक कि व्हाट इज योर लोकस स्टैंडिंग। ऐसा नहीं कोई भी उठ के आके बोल सकता है। तो लोकस स्टैंडिंग मतलब व्हाट इज योर स्टैंड इन द केस। अब इसका मतलब क्या? राइट टू रिस्पेक्ट द कोर्ट, तो ऑप्शन वन इज रॉन्ग। राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, राइट टू स्टैंड विद द कोर्ट, राइट टू सीक जस्टिस। राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट भी नहीं, राइट टू स्टैंड विद द कोर्ट, मतलब राइट टू स्टैंड इन द कोर्ट। इसका मतलब क्या है? देखो राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट का मतलब लोकस स्टैंड नहीं होता कि आपको अपीयर होने का राइट मिल रहा है। अपीयर होना मतलब एज एडवोकेट अपीयर होना, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लोकस स्टैंड नहीं मतलब कि जो एडवोकेट नहीं भी है कोर्ट के सामने अपीयर होता है उसके लिए कोर्ट विल आस्क व्हाट इज योर लोकस स्टैंड, आपका लोकस स्टैंड क्या है, आप किस कैपेसिटी में आप खड़े हुए हैं कोर्ट के सामने। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर। जब आप इतने डिटेल्ड तरीके से इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन करना, उनको समझना, उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि हम सारी की सारी चीज़ें कवर कर पाएँ, दैट इज़ वाई वी हैव लॉन्च्ड एन वेरी अफोर्डेबल कोर्स जिसमें आपको 1999 में सारी के सारे जितने डोमेन सब्जेक्ट है सबकी क्लासेस मिलती हैं। अलॉन्ग विद दैट विल बी गेटिंग क्लासेस फॉर जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज, जो अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब देखो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इट सेज ए है, ए क्या करता है, एग्रीज टू सप्लाई 200 लीटर्स ऑफ ऑयल्स टू बी ऑन 1st of February 2023। ए क्या है, ए एग्री हो जाता है कि वो 1st of February को 200 लीटर ऑफ ऑयल सप्लाई करेगा किसको, बी को। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज इंटर्ड बिटवीन देम ऑन द 15th of January। ऑन 31st January 2023 ए बी को इन्फॉर्म करता है दैट द कंसाइनमेंट हैज़ बीन डिस्पैच्ड एंड वुड रीच बी ऑन द स्केड्यूल डेट ऑन 1st February 2023। बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑयल एज ही डिड नॉट हैव सफिशियंट स्पेस टू स्टोर द ऑयल। अब देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका सेकेंड क्वेश्चन किससे आया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, फिर किससे आया आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, फिर किससे क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। That is why I always emphasize on this unit 2, which is really important for examination. You cannot skip any part from that. फिर उसके बाद देखो इसमें क्या है, A agree हो जाता है भाई 200 liters oil supply करने के लिए B को। उसने बोला कि हम 1st of February 2023 को क्या करेंगे, 200 liter of oil supply करेंगे B को। अब देखो क्या हुआ, the contract was entered between the two on the 15th of January. 1st February को supply करना है, 15th January को उन्होंने contract कर लिया और 1st of January को dispatch भी हो गया कि उन्होंने ऑयल की सप्लाई को डिस्पैच कर दिया, ऑयल भेज दिया। ए इन्फॉर्म करता है बी को कि कंसाइनमेंट डिस्पैच हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एंड वुड रीच बी ऑन द स्केड्यूल डेट, बट बी उसको रिफ्यूज़ कर देता है कि भैया मैं तो नहीं ले रहा, एक्सेप्ट कर रहा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से। इस केस में क्या होगा, व्हाट इज़ द रेमेडी अवेलेबल विद ए, नो रेमेडी, गलत, नो रेमेडी तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि क्या दे रखा है, इस डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। भैया आपके पास स्पेस नहीं है तो आप पहले से देखो ना, आप जब ऑयल ऑर्डर करके आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना आपके पास स्पेस है या नहीं है। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबिलिटी, दिस इज़ जस्ट मतलब ये तो कोई सेंस नहीं है ना इस बात का। नो रेमेडी इज़ अवेलेबल एज ए विल गेट बैक हिज गुड्स सो हैज़ नॉट सफर्ड एनी लॉस, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि उसने जो डिस्पैच किया, उसने जो अपना पैसा लगाया, उसने जो उसको वो चीज़ें वापस मिल जाएंगी। द एफर्ट्स ही पुट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पैसा उसने एग्जीक्यूट किया वो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कंपेंसेशन और द रेमेडी शुड बी देयर। ए इज इंटाइटल्ड टू रिसीव कंपेंसेशन फ्रॉम बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया
किसी एक पर्टिकुलर डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसी पर्टिकुलर डेट, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको उसको फुलफिल करना है। इफ़ यू फेल टू फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्रिस्क्राइब टाइम, इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड, लाइक यू हैव टू पे कंपेंसेशन फॉर दैट। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। जब हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन ए की, दैट इज टॉकिंग अबाउट जो हेग कॉन्फ्रेंस है ऑन द वर्ल्ड वाइड एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लॉ, तो ये आपका कब आया था? ये आपका आया था 1893 में। उसके बाद जब हम बात करते हैं, इंडिया अडॉप्टेड द यूएन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जो यूनाइटेड नेशन का कमीशन है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के लिए, ये आपका कौन सी डेट में आया था? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका 1893 में आया, फिर आपका यूएन कमीशन ऑन द ट्रेड रिलेटेड लॉ वो कब आया था? 1966 में आया। फिर उसके बाद आपका ILO वो सेटअप एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ये आपको पता ही होगा कि आपका 1919 में आया था, बिकॉज ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के बाद आपका सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था यूनाइटेड नेशन, ये ILO बनाया गया था, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन एज वर्किंग इन इंडिया फॉर ह्यूमन राइट्स इशूज इज वर्किंग, दिस काउंसिल इज वर्किंग सिंस 2006। अब देखो ये डेट्स क्या हैं, जब आप एक बार यूनाइटेड नेशन वाला पार्ट करते हैं, अब GK में भी इसको पढ़ते हैं, आप इसको इसमें भी पढ़ते हैं, सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखो आप इजीली देख सकते हो कि सबसे पहले कौन सा आएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, वो सबसे पहले आपका ऑप्शन ए आएगा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए आ गया आपका 1893, फिर उसके बाद आपका 1919 ऑप्शन सी आ गया, फिर उसके बाद आपका 1966, फिर उसके बाद आपका ऑप्शन डी दैट इज 2006। सो दैट इज हाउ यू कैन चेक विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज बेस्ड ऑन वॉट, विच वॉज बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत पॉपुलरली दिस पार्ट इज नोन एज। अब क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं, इट सेज अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या बात सिक्योर करने की बात करता है? प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज द प्रीफेस और द इंडेक्स और द यू नो, वो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया देता है। जैसे ग्रेट लॉयर है नाना पालकी वाला, ही सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो उसकी आइडेंटिटी है। अगर आप उसको पढ़ते हो तो अब देखो जैसे ही आप बुक ओपन करोगे लीगल स्टडीज़ की, उसको आपको जो प्रीफेस के बाद वाला पार्ट होता है ना, वहाँ प्रीएम्बल ही पढ़ते हो। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या गारंटी करता है? इसमें दे रखा है सेकुलरिज्म, इट टॉक्स अबाउट सेकुलरिज्म, बट इट इज़ नॉट गारंटी कि ये सेकुलरिज्म होगा। क्या क्या बातें सिक्योर करने की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, अगर आप लाइन रीड करोगे, इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑल दो ये टर्म है वहाँ पे, लेकिन ये हम क्या है, सिक्योर नहीं करना चाहते, कुछ और है उनका मतलब वहाँ पे। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, मतलब लिबर्टी को हम सिक्योर करना चाहते हैं, जस्टिस को करना चाहते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. So this is about question number 7. क्या क्या चीज़ें constitution of India इंश्योर करने की बात करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब इसमें से चेक कर लो क्या क्या है। जस्टिस आपका है, फ्रेटर्निटी है, ओनली बी एंड डी इज द करेक्ट वन, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करोगे, वेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विद द राइट मेंटोर, जो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सके, सिखा सके। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। अब उसके बाद ये भी हमने आपका कवर किया था जब हम क्रिमिनल लॉ को पढ़ रहे थे, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 2 ऑफ योर लीगल स्टडीज पार्ट। क्या कहता है ये, क्राइम जो कमिट किए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड गुड, टिपिकली इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर्स इज नोन एज ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं, ये डिस्कशन हमने अपनी मैराथन क्लास में किया था। जब भी जो क्राइम होता है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप कमिट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं जैसे मान लो जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड है, वो अंडर द टेबल मनी डिमांड करते हैं, वो क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। फिर उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज, अब देखो जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कंसिडरेशन होती है,
लेकिन बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन के होते हैं, जिनमें कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। लेकिन अगर हम इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विदाउट कंसिडरेशन वो वॉइड होते हैं इन जनरल केस। एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है, वो वैलिड हो जाते हैं। अगर मान लो आपके फादर ने आपको वॉच गिफ्ट की या कार गिफ्ट की, वहाँ पे आपसे कंसिडरेशन नहीं मांगेंगे। सो गिफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। देन आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन नंबर 10, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। और इसके बाद अगर ये PYQs आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, वाई आई एम सेइंग दैट, जितनी अच्छी आप तैयारी करोगे, जितने अच्छे तरीके से आप ये वाले पार्ट को तैयार करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में भी, आपके लॉ स्कूल में भी, आपकी प्रैक्टिस में भी। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिटेल में पढ़ोगे, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक आपकी यूनिट है, यूनिट 2 में ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना होता है। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 तक आते आते चार क्वेश्चन आ गए आपके यूनिट 2 से। ये किसके बारे में बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर। कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या बात करता है आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जो एग्जीक्यूटिव है ना और जो लेजिस्लेटिव है और जो जुडिशरी है, इन तीनों को हम अलग अलग हमने डिवाइड कर रखा है, जो पावर है ना उनका सेपरेशन कर रखा है। क्यों कर रखा है, अगर भाई एक ही पर्सन के पास पूरी की पूरी पावर होगी ना तो वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। हम क्या चाहते हैं, हम पावर को बांट के रखना चाहते हैं, कि हमने जुडिशरी को अलग कर दिया, लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। पर्पस क्या है, कि भाई जो पावर है ना वो कंसंट्रेटेड नहीं रहनी चाहिए, दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, एक प्यार भरा रिलेशन होना चाहिए। लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया, जुडिशरी ने लॉ इंटरप्रेट किया, एग्जीक्यूटिव ने लॉ को एग्जीक्यूट किया, तो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वी आर हैविंग। अब देखो सेपरेशन ऑफ लॉ इट रिक्वायर्स नॉन हार्मोनियस, हमने अभी क्या बोला भाई, हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए। नॉन हार्मोनियस मतलब लड़ते रहो झगड़ते रहो, ये तो नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट हैज लॉ मेकिंग पावर्स डिफरेंट देन दैट ऑफ स्टेट एंड प्रोविंसेस, भाई ये भी इसका मतलब नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये थोड़ी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास लॉ मेकिंग पावर है डिफरेंट होती है स्टेट और प्रोविंसेस से। दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दैट। इट अलाउज फॉर लिबर्टी एज इट अवॉइड्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ब्रांच। ये क्या करता है, ये लिबर्टी को अलाउ करता है, क्योंकि इसमें जो पावर होती है वो कंसंट्रेटेड नहीं होती। किसी एक पर्सन के पास सारी की सारी पावर्स नहीं होती हैं, जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो इसीलिए आपका ऑप्शन सी तो करेक्ट है। अब देख लो ऑप्शन सी किस में दे रखा है, अच्छा सभी में दे रखा है, सो वी डोंट नीड टू चेक दैट, ऑप्शन सी तो करेक्ट ही होगा। अब उसके बाद डी की बात करते हैं, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी। अब जब जुडिशरी अपने मैटर देखेगी, लेजिस्लेटिव अपने मैटर देखेगा, एग्जीक्यूटिव अपने मैटर देखेगा, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको बोल दिया जाए आपको 10 सब्जेक्ट करने हैं, आपको एक सब्जेक्ट करना है, जब आप एक काम करोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखो सी और डी किसमें है, सी और डी इसमें है, सी और डी इसमें है, सी और डी इसमें है, ऑप्शन डी इज इलिमिनेटेड। दैट इज हाउ यू चेक। ये फैसिलिटेट करता है चेक्स एंड बैलेंसेज ऑफ ईच ब्रांच। ऑप्शन ई इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब सी डी और ई तीनों होने चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब चेक्स एंड बैलेंसेज का मतलब क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेज कैसे इंश्योर करोगे। मान लो लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया, लेकिन जुडिशरी के पास क्या है, जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कि अगर गलत लॉ बनाया तो जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर देगी, उसको क्वेश कर देगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस विच वी डिस्कस्ड इन द टुडेज क्लास, जिसमें हमने आपके जितने भी यूनिट के जो भी क्वेश्चंस थे उनको एक डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करने का प्रयास किया है। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज यू कैन लेट अस नो इन द चैट बॉक्स। आपका अप्रिसिएशन, आपका एनर्जी, वही यहाँ पे हमारी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होता है। आप जितना अप्रिसिएट करते हैं, इट मोटिवेट अस टू कीप मेकिंग वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे तरीके से समझना है, सीखना है, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।